अयान आपको तो आता भी नहीं है जहाज बनाना, मेरे से सीखो मुझे कितना अच्छा जहाज बनाना आता है। मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं जी मैं ज्यादा अच्छा बनाती हूँ, देख लेते हैं। अच्छा कोशिश करो ना, मैं अपना तो बना लूँ फिर आपका भी देखते हूँ। ये रखो मेरा कितना अच्छा बना है। ये जहाज होता है, कहीं से जहाज लग गया तुम्हें? मेरा जहाज है। मैंने ये देख लो, ए, ओ, गया। ये देखना मेरा, ए, वुई, ओ, ये देख रहा, ए, दोनों गिर गए। अरे तो हो बच गई हो ये। बच्चों कैसा शोर हो रहा है? अरे अरे बताना नहीं कि हमने किया, कहेंगे फिजा ने किया, ठीक है? अरे ये क्या भाई, कबाड़ खाना बना के रखा हुआ आपने लोगों ने घर को? वो बाबा ये हमने नहीं किया। हमने नहीं किया तो फिर बेटा ये किसने किया? फिजा ने किया। ये फिजा को क्या हो गया, इस तरह की फजूल हरकतें करने के पीछे कब से शौक चढ़ गए? फिजा ने किया, ये फिजा को क्या हो गया, किस तरह की फजूल हरकतें शुरू कर दी इसने? आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे कि फिजा ने किया? नहीं बाबा हम लोग सच कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फिजा ने किया होगा। बाबा ये फिजा ने किया। पक्की बात? जी जी बाबा पक्की बात। मैं ठीक करता हूँ इसको, पागल बनाया हुआ। चलो ठीक है आप लोग अपना पढ़ो। जी जी पागल बनाया हुआ फिजा ने किया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये फिजा ने किया। अरे काम हो गया। यस अभी लगी भी हूँ। फिजा थी? पिज्जा बेटी क्या टूटा? मामा कुछ नहीं कुछ नहीं। अब क्या करूं, मामा तो ये नए कप लाई थी और उस सेट में से एक कप टूट गया। हाँ ऐसा करती इसे फेंक देती हूँ, जब मामा को पता चलेगा तो कह दूंगी हरीम ने तोड़ा। हो गया काम। ये देखो जरा तोतों के बर्तन तो यहां पड़े हुए हैं। ये देखो यार बच्चे चीजों को संभालते नहीं है। ये किसने तोड़ दिया? अरे ये क्या, ये कब किसने तोड़ दिया? ये किसने तोड़ दिया कब? ये देखो जरा तोतों के बर्तन ढूंढ। ये देखो जरा सारे घर में ढूंढ रहा हूं और तोतों के बर्तन ये पड़े हुए। देखो जरा यार कान पड़ा, ये भी नहीं डालते ये लोग इसमें कूड़े के। ये किसने तोड़ दिया? बच्चों की मामा तो पूछता हूं, तो नया सेट लेके आए थे भी नया। आजो आजो। अरे भाई किधर हो? हाँ जी क्या है, काम कर रही हूँ। अरे भाई वो जो नया सेट आप लाई थी वो उसका एक कप टूटा हुआ है, उसमें कूड़े के डब्बे में पड़ा है, वो किसने तोड़ दिया? क्या कप टूट गया? पता नहीं अभी तो मैं काम कर रही हूँ, मुझसे तो वैसे नहीं टूटा, पता नहीं किसने तोड़ दिया, अभी नया ही लाई थी, बाद में देखूंगी, अभी मुझे बच्चों की अलमारी सेट करने दो। अच्छा इन्होंने भी तोड़ा था, फिर अब किसने तोड़ा होगा? जिन वो तो घर में है नहीं, यानी किसी घर के फर्द ने तोड़ा होगा, देखते चलो।
फिजो फिजो बहुत आइसक्रीम वाला आया है, है? लेकिन फायदा तो यहाँ कोई ना हुआ ना, पैसे नहीं है मेरे पास। आपके पास भी नहीं है? आपके पास भी नहीं है फिजा, हमारे पास भी नहीं है। तो और वो चला जाएगा फिर अगले दिन आएगा। अयान फिजा बाहर काली इतनी तेज बारिश हो रही है। अयान आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, बारिश हो रही है, मेरे पास भी तो पैसे नहीं है ना, कुछ सोचो। और फिजा बाहर बारिश भी हो रही है, हम लोग दुकान पे भी नहीं जा सकते, यही मौका है आइसक्रीम लेने का। अयान अब देखो आपके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो चुप करके ना बैठ जाओ। क्या मैं लोगों को आइडिया दूं? आइडिया? आइडिया? क्या मैं आप लोगों को एक बात बताऊं? हैं? क्या? क्या बताओगी? मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? अगर आप लोग मेरी बात माने मैं तो बताऊंगी। जल्दी बताओ, इससे पहले वो चला जाए, जल्दी बोलो। बात क्या, हम मामा की मारी से पैसे ले ले। हो रीम क्या आइडिया दी है ताली दो। ओ पागलो पागल हो गए, मामा की मारी से हम चोरी करेंगे पैसे, मैं नहीं कर रही। ओ पागल लड़की, वो हमारी अपनी मामा है। ओ पागल लड़की, वो हमारी अपनी मामा है, किसी और की नहीं। अब चलो जल्दी। लेकिन नहीं अयान, ये फिर भी तो चोरी खिलाएगी ना। जा बस कर दियो, आओ जल्दी, वो चला जाएगा। चलो चलो आओ। लेकिन फिजा अगर मामा को पता चल गया तो क्या, बस कह देंगे, हमें नहीं पता कहाँ गए। यानी फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। चलो चलते, आइसक्रीम भी तो खानी है ना। हाँ, चलो चलो चलो। मेरी अलमारी से पैसे आपने निकाले हैं? अरे नहीं भाई, मैंने क्या करने हैं। अच्छा क्यों, क्या हुआ? मैंने वो बस काम वाली मासी को देने के लिए रखे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए, अभी अभी तो रखे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा नहीं, मैंने तो निकाले, देखो कहीं ऊपर नीचे कहीं हो गए होंगे। हाँ देखती हूँ। घर में ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो नॉर्मल नहीं होते। गम डला हुआ है, अयान हरीम कहते हैं कि ये फिजा ने डाला है, और मेरा दिल नहीं मानता कि ये फिजा ने किया होगा। उसके बाद कब टूटा घर में किसी को भी पता नहीं इस बारे में, ये भी अजीब बात है। और अब ये पैसों वाली बात, हमारे अलावा घर में तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे आजकल कुछ ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया, गलत आदत में पड़ गए ये लोग, पता करना पड़ेगा ये जरा। अच्छा चलो कोई नहीं, इसका भी हल मैंने सोच लिया, चल के इनसे जरा बात करते हैं। बच्चों किधर जा रहे हो आप लोग, जरा इधर आओ ना। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, हम खेलने जा रहे हैं, आइसक्रीम लेने जा रहे थे। नहीं नहीं, तो जी तो बच्चों बताओ ना आप लोग कहाँ जा रहे हो। बाबा हम खेलने जा रहे हैं, बाबा हम खेलने जा रहे हैं, बाबा हम चीज़ें उधर, बाबा हम चीज़ें उधर, खेलने जा रहे हैं, बस वैसे बाहर जा रहे। बेटा बेटा क्या हो गया आप लोगों को, झूठ बोलने से पहले। बेटा बेटा क्या हो गया, कोई कहता चीज लेने जा रहा हूँ, कोई आइसक्रीम, कोई खेलने, क्या बात हो रही है ये। झूठ बोलने से पहले आपस में पहले तय तो कर लो कि हमने झूठ क्या बोलना है। इसीलिए कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। बाबा वो हम झूठ तो नहीं बोल रहे। जी बाबा। अच्छा तो आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो ये बताओ फिजा, ये आपके पास पैसे कहां से आए? मैंने तो आपको दो दो सौ चीज के लिए कोई पैसे नहीं दिए। बाबा मेरे पास पहले के पड़े, बाबा मेरे पास पहले के पड़े, वो बाबा मेरे पास पहले के पड़े हुए थे। बाबा मेरे पास पहले के पड़े।
थ्री। बच्चों बोलो बोलो, और भी कोई झूठ है बाकी तो वो भी बोल लो। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और अच्छा अब जरा मुझे आप तफसीलन बताएं ना जरा कि ये सुबह का जो मामला था कमरे में गंद वाला, पेपर किसने फेंके थे, उसके बाद घर में कप टूटा वो, घर से पैसे चोरी हुए वो, क्या है ये सब। अच्छा जरा मुझे अब आप लोग तफसीलन जरा बताएंगे कि जो सुबह कमरे में गंद था वो किसने डाला, उसके बाद एक कप किचन में टूटा वो कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, और घर से पैसे चोरी हुए, कोई बताए जरा मुझे इस बारे में ये सब क्या क्या है। सॉरी बाबा वो हमने गंद पिलाया था रीमन मैंने। सॉरी बाबा वो कप मेरे से टूटा था। ये तो ठीक हो गया, और वो पैसों वाला क्या मामला है। सॉरी बाबा वो हम तीनों ने निकाले थे आइसक्रीम खाने के लिए। ओ अच्छा ठहरो ठहरो, क्या शुरू कर। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को एहसास हुआ चलो ये तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन घर में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, पैसों को चुराना बेटे ये अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। एक तो आप लोगों ने चोरी की और उसके ऊपर आप लोगों ने झूठ भी बोला, दोनों ही काम बहुत गलत किया आपने, और ये बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। अंडरस्टैंड बाबा, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कौन आ गया देखो जरा। अरे ये तो सलीम आ गया। थ्री क्या हुआ बाबा, कौन आ गया। थ्री उफ अल्लाह, टू थ्री उफ अल्लाह, ये कभी से। अयान भाई सलीमों कल आए हैं, उन्हें कहो कि बाबा घर पे नहीं है, ठीक है। अयान भाई यार अयान भाई सलीम अंकल आए हैं, उन्हें कहो कि बाबा घर पे नहीं है। बाबा खड़ी होगी जाके। बाबा जी बेटे, आपने ही तो कहा था कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। बाबा आपने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। बाबा झूठ नहीं। टू थ्री। तो फ्रेंड्स सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज। कितना प्यारा बना ये देखो जरा। अच्छा जी ये प्यारा है, ये लफ है। ये क्या किया, बस पेंसिल से किया। पेंसिल पेंसिल से रेस हो गई। ये रखो। अब ये क्या किया। थ्री। भाई ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। वाओ कितना प्यारा है हरीम, बहुत अच्छा। यस ये देखो फिजा कितना प्यारा है। मेरी राइटिंग चेक कर ये क्या किया फिजा, बस एक टेक के तो लगाया पेंसिल से रेस हो गई। ये अब रेस कर लो। मैंने क्या कहा था कि पेंसिल से जो लगाया अच्छा लगा था तो टिक लगा दिया बस। हाँ तो मुझे भी अच्छा लगा था तो मैंने टिक लगा दिया। रेस कर लो।
इतनी मुश्किल से मैंने काम किया, सारा काम बढ़ा दिया मेरा। मैंने बढ़ाया, आपने मेरा बढ़ाया तो मैंने आपका बढ़ाया। चलो चलो बस अपना अपना रेस कर और काम करने तो पहले बहुत काम पड़ा है मेरा। रेस कर दो मुझे। पास नहीं है तुम्हारे? नहीं। बस लड़के रहना, काम ना करना, बाबा आने वाले। लो जी एक और टीचर आ गई हमारे पास हमें डराने वाली। बढ़िया, एक और टीचर आ गई हमारे पास हमें डराने वाली, बाबा आने वाले हैं। हाँ, शुक्र काम हो गए, अभी तो तीन और पड़े हैं। वाह बादल आए हैं फिजा, चेक तो करो। कितना प्यारा मौसम हुआ है बाहर। अपना आइडिया है। बोलो। बाबा को आने में तो 2 घंटे है ना, तो क्यों ना हम लोग बाहर चल के खेलें। फिजा मैं सही कह रहा हूँ, आगे पीछे तो बड़ी गर्मी होती है, खेला नहीं जाता। इस बार इतना अच्छा मौसम हुआ है, चल के खेलते हैं, बहुत खेलेंगे, मजा आएगा। कह तो सही रहे हो यार, दिल तो मेरे। फिजा मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग बाहर चल के खेलें, वैसे भी बाबा को 2 घंटे हैं आने में, क्या कहती हो? और फिजा आगे पीछे तो इतनी गर्मी होती है, क्या करे, इस बार अच्छा मौसम भी हुआ है। क्या तो सही रहे हो यहाँ, दिल तो मेरा भी कर रहा है खेलने का, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम भी तो इतना ज्यादा पड़ा है। नहीं कुछ होता फिजा, 15 मिनट में एक काम कर लिया था, और बाकी तो छोटे से हैं। हाँ यार सही कह रहे हो। अब बाबा आएंगे ना फिर डांट पड़ेगी। एक तो ये बाबा की चमची ना कभी चुप नहीं रह सकती। चलो यार मेरा भी माइंड चेंज हो गया, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, चलो चलो इसी तरह छोड़ दे। चलो अरे रुको, मैं भी। चलो यार अब तो मेरा भी माइंड चेंज हो गया, चलो जल्दी से चलते हैं। चलो इधर ही रह देते। अरे रुको, मैं भी आपके साथ चलती। चलो चलो। आगे आ जाओ हयान। तो देख से रहा हम लोग कितनी दूर आ गए। हाँ यार चल फिर रेस लगाते हैं। वैसे यहाँ जाना किस साइड पे है? ये एंड तक। एंड तक? लेकिन यार सुनो काफी देर हो गई है, हम काफी देर से ऐसे फिर रहे हैं, अगर बाबा आ गए तो, और हमने काम भी नहीं किया। टेंशन ना ले, अभी बाबा को 1 घंटा पड़ा है, छोड़ो जरा, करते हैं लोग रेस। आयान देख लो देर ना हो जाए। चलो ठीक है फिर हो जाए रेस। चलो 1 2 3 गो। तो चलो फिर 1 2 3 गो। चलो चलो चलो। हार गए हम। देखा देखा इस तरह जीतते हैं। चलो बंदे बस बस ज्यादा बातें ना करो, जीत गए तो क्या हुआ। इसमें
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों जरा आप लोग इधर आएंगे मेरे पास। अच्छा आ रहे हैं बाबा। जरा आप लोग इधर आ जाए ना, बैठे इधर इधर आके मेरे साथ। अच्छा जी आ गए। जरा ये बताइए ये काम करने का कौन सा टाइम है? शाम की 6 बज रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी अजीब। बुरी बात। चलो बस सीरियस बस बस चलो शाम बस। आप उधर पास इधर नहीं देखो फिजा, आप भी उधर नहीं देखो। आप अपने इसलिए तो मैं नीचे देखना चाह रही थी लेकिन एकदम मेरे साथ चलो शाम बस। आप नीचे देखो जी। बच्चो पागल हो रही बैठी। अब देखो वो मेरी बेटी सीरियस, अब वो सीरियस बैठी है, आप हंसने जा रही हो। नहीं ये कौन सा तरीका है मुझे बताओ ना। अब पिटाई आपकी होने वाली है। मेरे दिल में ना सीना जा रहा है। दिल में सीना जा रहा है। वीडियो बना रही हो जी? देखो अगर दिल में सीना जा रहा है उसके। जी बच्चो तो ये बताइए कि ये काम करने का कौन सा टाइम है मुझे बताएं जरा आप लोग। शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को पता ना कि आपका खेलने का और पढ़ने का क्या टाइम टेबल है। जब आपको हर चीज बताई हुई है कि इस वक्त आपने खेलना है, इस वक्त पढ़ना है, तो ये अब आप टाइम देख रहे हो आप लोग। अब इसके बाद आप लोगों ने अपना खाना वाना खा के सोना होता टाइम से। अब आप किस वक्त अपना काम खत्म करोगे, किस वक्त खाना खाओगे और किस वक्त सोगे आप लोग? रूटीन डिस्टर्ब हुई ना आप लोगों की? इस तरह जब मैं घर आया तो मैंने मामा से पूछा कि बच्चे कहाँ गए हुए हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कहाँ गए हैं, बगैर इजाजत चले गए वो लोग तो खेलने के लिए। कितनी गलत बात है ये कि बगैर बताए आप लोग चले गए। मैं जब घर आया तो मामा से पूछा आपकी, भाई बच्चों को क्यों इजाजत दी अभी आपने जाने की? तो आपकी मामा कहती मुझे तो पता ही नहीं है, बगैर बताए चले गए। क्या हरकत है ये? किसका प्लान था ये कि काम छोड़ के पहले खेलने चले गए आप लोग? बाबा फिजा ने कहा था। वो बाबा फिजा ने कहा था। वो बाबा फिजा ने कहा था। फिजा बेटे ये क्या हरकत है? आप बड़ी हो, इससे बेहतर पहले कि आप बच्चों को अपने छोटे बहन भाइयों को समझाओ। फिजा बेटे ये क्या हरकत है? आप बड़ी हो, ये नहीं कि आप छोटे बहन भाइयों को समझाओ, उनका ख्याल रखो, उनको तौर तरीका समझाओ। आप उनको इस तरह लेके बगैर पढ़ाई करवाए बाहर खेलने चले गए आप लोग, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना। लेकिन बाबा, लेकिन बाबा क्या, आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना कि आप छोटे बच्चों को भी, छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ मिलाओ इन हरकतों में। अकल कर फिजा, बहुत अफसोस हुआ आपको, बहुत अफसोस हुआ फिजा ये देख के। और हरीम आप भी इनके साथ शामिल हो गई फिजा, बहुत अफसोस हुआ बेटे ये देख के। और हरीम आप भी बेटे इनके साथ शामिल हो गई। बाबा मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बाजी ने ही कहा था। चलो उठो जाके फॉर्म का काम खत्म करो, उसके बाद खाना वगैरह खाना है। उफ चलो फौरन अपना काम खत्म करो और आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा। हाँ शाबाश चलो। देखा रही कैसा मजा चखाया, क्या बात है अरीब, कैसा साथ दिया आपने भाई का। देखा भाई खुश हो? हाँ हाँ खुश हूँ। हाँ हाँ अच्छी तरह खुश हो, खुश हो आप भी हो ना, मुझे फंसा के खुद खुश हो रहे हैं। शर्म तो नहीं आई ना हरीम आपको?
हरीम आपको भी शर्म तो नहीं आई ना कि सिर्फ चंद पैसों के लिए आपने मुझे फंसा दिया। तो बात आप बाबा को कह देती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको रोका था। हाँ सही तो कह रही है वो, हमने कहा तो चुप करके बैठो, उस टाइम तो बोल नहीं सकती थी, हमें तो वैसे बड़ा बोलती हो। जी चुप करके मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि अगर मैं सच बता देती ना बाबा को तो आप दोनों के आंसू नहीं बंद होने थे बाबा की डांट की वजह से। और हाँ आयान, आपके तो काफी चांसेस थे क्योंकि आप बड़े हो, आपको तो बाबा से मार भी पड़ सकती थी, हरीम को नहीं। और अगर मैं नहीं बोली ना तो आप दोनों की वजह से नहीं बोली ताकि आप दोनों को डांटना पड़ जाए। मैंने सिर्फ अपने बहन भाइयों का ख्याल किया है। और हाँ वो मेरे भी बाबा हैं, मेरी भी बात मान सकते थे वो, अगर मैं उन्हें ये बता देती ना तो आप दोनों की खैर नहीं थी। लेकिन बहुत अफसोस हुआ आप दोनों की इस हरकत से। बात आप सही कह रही हो भाई, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बात मैं आपको आज के बाद धोखा नहीं दूंगी। सॉरी फिजा, ये मेरी गलती है, ये मेरा ही प्लान था। क्या यार बॉस है आज के बाद मैं पक्का नहीं करूंगा। अब तो मान जाओ। चलो ठीक है, माफ किया। और अब चुप करके ना अपना काम करो, हरीम आप भी। ठीक है चलो। वैसे फिजा आज ना 6 बजे टीवी शो आने वाला है। वैसे फिजा एक बात बताऊं, 6:30 पे ना शो आने वाला है। आयान फिर से तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें जरूर बताएं। और हाँ ये बात सच है ना कि तो फ्रेंड्स कैसे आप सब, और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और हाँ ये बात भी हमें बताइएगा कि ये बात सच है ना, अपना काम टाइम से करना चाहिए, जो आपका होमवर्क है वो भी टाइम से करें और जो आपका खेलने का टाइम है वो भी आप जरूर खेलें। बिल्कुल। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय। चलो जी अपना काम खत्म कर लें टाइम से।